स्वामी एक जन बैठो चिमानी री, एक जन बैठो चिमानी री। बोली के वे भी को नैया थोड़े दर कुशवाहा राजेंद्र मलावरा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इनकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना करेंगे। बोली पार्वती के ब्याह करने लड़कन को शंकर भगवान बोले यार जा बताओ, एक तो हम मरगटन पे रहते मरगटन में कुआ जात रहे भी। बोले एक तो हम मरगटा पे रहते ऊपर से तो वगैरह खेती और करण लगो, अगर हम जे मरगटा जोत डाले तो भूत बेचारे कहाँ जाए के बताओ भगवान, एक तो हमारे घरे रह भी आए जैसे तुमको के घरे रह भी जाओ उसे कहते हम तुम आंगन जोत ल लठ उठा के पर घनी पर तुम अच्छी गुच्छ फंसे दे। पार्वती बोली तुम्हें मरगटा नहीं जोतने। बोले फिर कहाँ है खेती। बोली हम बताओ के विष्णु नो जाके उन्हें समझा के मांग लो शंकर जी। बोले जाओ तब विष्णु भगवान नो का से आओ की। बोले तुम्हें पतो नहीं 52 अवतार लेके और राजा बलि से पूरी जमीन ले लई दान में, उनसे ले लो 10-20 एकड़ ठीक आप विष्णु नो जाके उन्हें समझा के मांग लो ओ मानो हमारी बनो ना भिखारी जोत लो। शंकर भगवान बोले अच्छा चलो ठीक है खेत होगा, बीज भात भी तो चाने का वो पथरा तो पहनो ही जाते। बोली हम बता रहे बीज भात कहाँ मिले के बीज भात मांगो कुबेर से जो पेलू जाने रे, ये जो पेलू जाने रे सुरे भी को नैया सुनो पार्वती तुमने ठीक है कह दी के खेत उनसे ले लो बीज भात कुबेर से ले लो। बोले अबे हाल हाल हाँ के बेके लाने दो बेलवा चाने हमारे का एक ही टलवा है पर एक ना दिया का थोड़ी हाल आके। पार्वती बोली हमने बाबी तुम्हारी जुगाड़ कर दाई। शंकर जी बोली कितने से कर दी। बोली सुनो यमनो जाके पड़ा पुटिया के मिला लो तुम्हारे लगा है ना दिया यमराजानो है पड़ा दो ये खट्टे करो जोड़ मिलाओ अरे यमनो जाके पड़ा पुटिया के मिला लो जोड़। शंकर जी बोले आंखें कैसे और
उन त्रिशूल को स्वामी जो बन रहो नामी परे ना तू उन्हें जो तब त्रिशूल लाए फिर रहे जी चाहे मैं गुच्छ दे 300 को केस बन जा है जी चाहे मैं पच उठा दे वो तो ढलाग जाती खरीदार जी चाहे मैं फेर दे जो त्रिशूल इको परे ना बनवा उन्हें त्रिशूल को स्वामी जो बन रहो नामी परे ना तू शंकर जी उन्हें सबसे बड़ी बात हर कहा है हर भी तो चाने आए उन्हें हम बताओ हर मांगो बल जाऊ सजा के ओ हर मांगो बल जाऊ सजा के कई तुम्हारी माने रे ये कई तुम्हारी माने रे सुने भी को नहीं आठ सुनो जो कुआ रहो लौट के जा रहो करत नहीं बात एक जने को ब्याह जी हो तो एक लड़का को सो उके बाप को कुनो ने सूद धरा दी बोले एक काम करो यार तुम कम से कम पोजीशन तो बना लो यार अपनी ढंग की तमाम लड़का ब्याह हो बोले का बना रहे बोले एक मिटो मिटा ट्रैक्टर ले लो 20,000 को दूरी में दहो रे जो लगे के पैसा भाई है लम्बरदार ट्रैक्टर तो है बोले जा सही कह रहा यार सुनने 20,000 को आई सर ट्रैक्टर पुरानो सो लेके हल्लो बोले का भैंस ले लो 3,000 की बूढ़ी सी टांगर भैंस ले ले लड़का से कहे के जी जब चरा उतराएगा डोरे आ रहेगा तो ठीक है जैसे ही देखा जाए आए पिटिया भाई आए बोले अपने लड़का है भी आप बोले आओ है जाओ डायरेक्ट कर लो लड़का से बात वो भैंस डरे आए तो लड़का कोई ना पहुंचा था रिश्तेदार पिटिया भाई पहुंचे बोले कुंवर साहब जी मोजरा बोले मोजरा बोले प्या खो आप अरे बोले हम अन्या है सलमान खान के बाद बोले जा बताओ अपन ब्याह को हम लिखाओ बोले अपन तो पैसा वाए हो ट्रैक्टर है आपके घर कहना ट्रैक्टर तो मिटो धरो कोनो काम को नहीं 20,000 को तो लाऊ तो पोजीशन भर को आए सुबह देखा गया बेचक उनको पापा को लगा भी जगह को के दे के पोजीशन को आए अरे क्या ये तो का चार है ट्रैक्टर खेत पे चल रहा है जो मिटू है सो दूर में धावड़ा ले अब के दे दादा कौ से फिर घूमत घावत एक द्वारा गए थे खट जा बोले लड़का है भी आप बोले हाउ हाउ है डायरेक्ट कर लो लड़का से बात लड़का ही फिर पहुंचा दे बिटिया भाई बोले कुमार साहब जी मजरा हाँ बोले मजरा ब्याह हो तो हाँ बोले हम यहाँ है बोले अपन तो पैसा वाए हो ट्रैक्टर है अरे बोले ट्रैक्टर ट्रैक्टर तो है हम अच्छा खेत पे चले गए चल रहे हैं बोले जो मिट्टू है सो दूर में धाव रहा बोले काजू अपनी भैंस है भी है कल बूढ़ी टांगर या है कछुनी कड़ा गोबर के अलावा हाँ कल केवल सुबह शाम गोबर देती है कुछ नहीं देती है 3,000 की तो लाई है तो फिर बेचक गया देखा जा वो बापा कहने कावे बत्तमी जा कहा हो कह दे के कुछ नहीं करता है गोबर के अलावा अरे जा कह दे तो कि 40 रंग है भैंस है चार बजे चली गई खेत पे कुछ नहीं करता अच्छा आदमी है कह दे तो 40 रंग है जब बीमार है तो कहते हम छोड़ ले अब कह दे पापा ये फिर कहूँ आ गए एक दे खज्जा जुगाड़ से फिर आज बोले डायरेक्ट कर लो लड़का से बात फिर पहुंचा बोले कुंवर साहब जी मजरा पहुंचे मजरा मजरा बोले ब्याह खत्म हम यहाँ हैं ब्याह
बोले जा बताओ आप तो पैसा आए हो आपके ट्रैक्टर भी है। आए बोले ट्रैक्टर तो है चार खेत पे चल रहा है जो मिट्टो है सो दूर में दौड़ रहा। बोले का जी भैंस है। आए बोले भैंस है तो है चालीस नहीं या बीमार रस तैयार के हम छोड़ ले। बोले काजू घर बा घर। बोले यही में गुंजे सब रे यही है कोठा जा यही में बाप यही में भज्जा यही में भोजाई हो यही में मताई। फिर बेचक गए उनको बाप और लले आज में चार पांच अच्छे दे कान में पटाक पटाक कले बदतमी तो क्या बे समझाओ नहीं आ रे हैं आप बे कछू की कावे। हाँ बेर बेर नहीं समझा घर की तो जाने क्या पा तो एक मननपुर में है एक मड़ावरा में है एक रानगांव में है एक हंसरी में है एक सीरोन में है एक धौरी सागर में है एक ललितपुर में है एक टीकमगढ़ में है क्या दे तो एक तोर से देखा घर में घर। बोले अब क्या दे अब मोड़ा तो कुटवा तू बच्चा छर खाई गो फिर कमुआ गए देखा जाए। बोले डारे कल्लो लड़का से बात पहुंचा तब जो कुटाओ छाल को। बोले कुंवर साहब जी मजा। बोले मजरा। बोले तुम्हें हम ब्याह होकर हाउ हैं कितने हैं मोड़ी। बोले का संगलिया का मोड़ी यार। बोले जा कह यार तुम तो पैसा भाई हराओ करने हैं पैसा भाई। बोले अपने ट्रैक्टर है कहने का एक यार ट्रैक्टर चार हैं वह ट्रैक्टर खेत पे चल रहा है तो मिट्टू है सो दूर में धौरा काय कुंवर साहब भैंस है कहने का एक है का भैंस चालीस रंग है चरवे कर गई खेत पे बीमार है सो मैं के छोड़ ले। बोले कहा जी घर बाखर कहने का एक है का घर बाखर एक मदनपुर में है एक पहाड़ी में है एक मड़ावरा में है एक रनगांव में है एक हंसरी में है एक सीरोन में है एक धौरी सागर में है एक ललितपुर में है एक टीकमगढ़ में है। काजू पापा कहाँ गए कहने का एक यहाँ पापा हाँ कल एक मड़ावरा गए एक ललितपुर गए एक बम्बई गए एक कलकत्ता गए एक बाहर बैठे एक भीतर धरे हुए ये सब हो जा। तो कई पार्वती ने के आजकल पोजीशन को जमानो है काय जो कुआ रहो लौट के जा रहो करत नहीं बात लड़का हमारे करे है कुआरे मुई ऐसे ही देखा टीका करे तो छह नोट जाने पाँच पाँच सौ के हाल लार पे एक पाँच सौ बच्चे खाओ जा बताओ को कर दे ऐसे लड़का घूमे छह मो बारो है लड़का तुम्हारो जो सब घूमिया का है रावण के क्या मोह थे आप मुझे बताओ क्या मोह थे यार बस क्या बात है रावण के हाथी मोह दस वो आप बेहतर करना यार
पेट पिरारा वार 10 दिन हो गया दिमाग खराब बेद का लगे मैं हाथ देख कल यार रावण सर का तो वहाँ पेट नहीं मिट सकत कल का अब कल लगे इन कमे तो है 10 यानी खावे तो है 10 और कल कड़वे है ये कई कल तमा पेट कभी नहीं मिट सकत इसे